नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांका में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने पेड़ में मारी टक्कर, तीन की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ा भागलपुर नगर निगम, टॉप 20 में भी नहीं मिला स्थान। अखंड सुहाग की कामना के लिए सुहागन महिलाओं ने रखा व्रत, कोरोना को देखते हुए घरों में की पूजा अर्चना। पीरपैती में महिला के शव के साथ बच्ची भी बरामद, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। और कॉलेज में नामांकन के लिए छात्रों की उमड़ी भीड़, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद उड़ाई गई सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां। समाचार विस्तार से। बांकामरपुर मुख्य सड़क पर महागामा मोड़ के समीप गुरुवार की शाम पेड़ से मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो जाने के कारण बाइक पर सवार तीन युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान बाराहाट निवासी ललन मंडल, चक्रधर मंडल एवं कमल राय के रूप में हुई है। दुर्घटना में घायल धोरैया निवासी प्रीतम कुमार को इलाज के लिए बांका भेजा गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बांका थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। घटना को लेकर बताया गया कि बांका की ओर से एक ही बाइक पर चार युवक तेज गति में अमरपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महागामा मोड़ के समीप बाइक तेज रफ्तार होने के कारण नियंत्रण खोकर सड़क किनारे इमली के पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीन युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि मोटरसाइकिल पर दो से ज्यादा सवारी करना मना है, पर ये चार एक ही मोटरसाइकिल पर बारिश के मौसम में गीली सड़क पर तेज रफ्तार बाइक चला रहे थे। ऐसे लोग अपनी जान के साथ साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के जान के भी दुश्मन होते हैं। भागलपुर बिहार और झारखंड में पहला ऐसा शहर है जिसका चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया था, लेकिन शहर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी भागलपुर बिहार की शीर्ष 20 शहरों में भी अपना स्थान नहीं बना पाया और नेशनल रैंकिंग में शहर का 379वां स्थान है, जबकि मुंगेर का 297वां, किशनगंज का 308वां, जमालपुर का 359वां एवं पूर्णिया का 364वां स्थान है। इसका साफ मतलब यह है कि स्मार्ट सिटी भागलपुर स्वच्छता के मामले में अपने सभी पड़ोसी जिला से पीछे है। नगर निगम के जनप्रतिनिधि से लेकर विधायक तक इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं। वहीं नगर निगम के उपनगर आयुक्त शहर के स्वच्छता रैंकिंग में पिछले साल सुधार होने का दावा कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, इसका एकमात्र कारण है नगर आयुक्त महोदया। एक भी काम वो न करती है न करने देती है। हम लोग एकदम लगन से लगे रहते हैं साफ सफाई के लिए, न ठेला बनता है, न समय पे ब्लीचिंग मिलता है, न झाड़ू मिलता है। अगर हम लोग को संसाधन नहीं मिलेगा तो वार्ड पार्षद काम कैसे करवाएगा। मुझे तो बहुत ही शर्म महसूस हो रहा है, चूँकि भागलपुर शहर 2015 में स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ। मैं कई बार विधानसभा में सवाल उठाया हूँ कि यहाँ कोई धरातल पर काम नहीं हो रहा, गंदगी पूरी पड़ी है। मैं आपको बता दूँ, मैंने भी रिपोर्ट देखी है, जमालपुर एक छोटा सा जगह, पूर्णिया उससे भी पीछे है। और मैं आपको बताऊं, इसका कारण मुख्य कारण है, यहाँ जो पदस्थापित पदाधिकारी हैं वो सिर्फ लूट कर रहे हैं, कोई धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। पूरे शहर को और अच्छा रैंक में आना चाहिए था, लेकिन आप जब पिछले साल की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले साल भागलपुर का रैंक 412 था, इस बार 379 है। इसलिए अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। हालांकि यह बात सत्य है कि और सुधार करने की आवश्यकता है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को आस्था और विश्वास के साथ हरितेलिका तीज व्रत किया। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अधिकतर महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ से अपने पति के सौभाग्य और लंबी आयु की कामना की। बता दें कि तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीरपैंती के ऋषिपुर बाराहाट क्षेत्र चंदन नगर बगीचा के समीप शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के शव के पास 2 वर्षीय बच्ची भी मिली है। महिला के शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही ऋषिपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि प्यालपुर चौक से नंदलालपुर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर महिला का शव पड़ा था, जिसके पास घबराई हुई एक बच्ची भी थी। बता दें कि अब तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है।
भागलपुर में लगातार कोरोना के मरीजों में वृद्धि हो रही है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद छात्रों की भारी भीड़ कॉलेजों में उमड़ रही है। TNV कॉलेज के लैंग्वेज लैब में इंटरमीडिएट के विभिन्न संकायों में नामांकन की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही नामांकन के लिए कतार में लगे छात्र मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नामांकन लेने वाले कर्मचारी भी बिना मास्क का उपयोग किए ही फॉर्म ले रहे हैं। तस्वीर में आप सरकारी गाइडलाइंस का माहौल बनते साफ देख सकते हैं। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर फिर से बाजार खोलने के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि शुक्रवार से सभी दुकानें अपने निर्धारित समय से खुलेंगी। बाजार में जमा हो रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय संक्रमण से बचाव के लिए लिया है। शुक्रवार से सुबह 10 बजे तक फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडे आदि की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य दुकानें दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान सभी दुकानदारों को मास्क व सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। पूर्ण शराबबंदी एवं लॉकडाउन के बावजूद शहर में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। शुक्रवार को मिली गुप्त सूचना पर मधुसूदनपुर पुलिस, डॉग स्क्वाड एवं आबकारी विभाग ने मधुसूदनपुर इलाके के मनियापुर में छापेमारी की। हालांकि पुलिस को वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ, पर छापेमारी अभियान से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लगभग 20 पुलिस जवानों के साथ मनियापुर में अहले सुबह छापेमारी की गई। 1 घंटे से ज्यादा चली छापेमारी में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसन सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
भागलपुर में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के बीच जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना के जांच के लिए लगाया गया RT-PCR मशीन 3 दिनों से खराब पड़ा है। हालांकि मशीन की रिपेयरिंग के लिए कोलकाता से इंजीनियर आए हुए हैं, पर मशीन ठीक नहीं हो पाई है। अस्पताल में अभी रैपिड किट के अलावे CB नेट मशीन से कोरोना के सैंपल की जांच हो रही है। बता दें कि CB नेट मशीन से कोरोना के सैंपल जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। तो परेशानी तो हुई ही, इसलिए कि एकाएक स्टार्ट ही नहीं होने लगा, तो हम लोग संयोग से हमको बिहार सरकार की तरफ से CB नेट का कार्ट्रिज 1000 हमको मिला था। हम लोगों ने तुरंत CB नेट पर हम लोग जांच शुरू कर दिए, तो उसका 50% कैपेसिटी, 50 से थोड़ा सा कम पर हम लोग काम भी शुरू कर दिए, तो इसलिए थोड़ी हानि तो हुई। लेकिन हमने तुरंत इंजीनियर से संपर्क किया, कलकत्ता में इंजीनियर है, वो लोग नेक्स्ट डे ही चल दिए। लेकिन ऐसा रहा कि वो लोग 8-9 घंटा वो लोग जाम में फंस गए, इसलिए एक दिन मेरा उसमें थोड़ा नष्ट हो गया। आज वो लोग कल रात में ही भागलपुर आ गए, होटल में रुके हुए थे, आज सुबह से वो लोग कर रहे हैं 2-3 घंटे में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका जिले के रजौन प्रखंड स्थित कतरिया राजघाट नदी पर करीब 1 करोड़ की लागत से बन रहे पुल बनने से पहले ही ध्वस्त हो गया। इस दौरान पुल पर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार को पुल के ढलाई का काम लगभग पूरा हो गया था, अचानक शाम में ही सेंटरिंग गिर जाने से पूरा ढलाई नीचे आ गया। इससे निर्माण हो रही पुल की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है। ढलाई के क्रम में ही पुल ध्वस्त हो जाने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुल बनकर तैयार भी नहीं हुआ लेकिन ध्वस्त होने लगा, इससे पुल की आयु का आकलन किया जा सकता है। बांका नगर परिषद उपचुनाव के तहत समाहरणालय स्थित सभागार में उपसभापति पद का चुनाव हुआ, जिसमें उपसभापति के संतोष सिंह एवं राजकुमार रजक ने इस पद के लिए अपना पर्चा भरा। निर्वाची पदाधिकारी सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अमिताभ सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार चौधरी एवं स्थापना उपसमाहर्ता सालिग्राम शाह की मौजूदगी में कराए गए मतदान में संतोष सिंह को 15 मत प्राप्त हुए, वहीं राजकुमार रजक को 8 मत प्राप्त हुआ, जिसके बाद निर्वाचित पदाधिकारी ने उपसभापति पद के लिए संतोष सिंह के नाम की घोषणा कर दी। मौके पर अंचलाधिकारी बांका सुजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार झा, सिटी मैनेजर रितेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के एक चारी में शुक्रवार को सांप काटने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान आमापुर गांव निवासी जयराम मंडल की 12 वर्षीय पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने बताया कि हर रोज की तरह रूबी खाना खाकर अपने बिस्तर पर सोने चली गई थी। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन दौड़ कर गए तो पाया कि बच्ची को सांप ने डस लिया है। आनन फानन में अस्पताल ले जाने के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। खाना वाना खा के सोई 10 बजे के आसपास में, उसके बाद 1 घंटे के बाद में बोलता है कि कोई चीज़ काट लिया, तो मम्मी पापा को बोला, तो उसके बाद देखता है कि ब्लड चलने लगा। उसके बाद वहाँ से निकाला घर से, तो उसको बाथरूम में रख दिया। बाथरूम से आया उसको फिर उल्टी होने लगा। उल्टी होते होते उसके बाद गांव में ले गया झरवाने के लिए, तो वहाँ पहुँचा बेदम हो गया। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के ट्रैशम भवन में पंचायत समिति और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख संगीता कुमारी ने की। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ की समस्या और बचाव को लेकर CO को अवगत कराया। वहीं CO ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए शरणस्थली का चयन कर लिया गया है, जल्द ही बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। मौके पर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, पिंकी देवी, दिनेश मंडल, छत्रधारी मंडल, VDO शिवशंकर राय सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। गोराडी प्रखंड अंतर्गत तरछा दामूचक में जल जीवन हरियाली के तहत मौसम अनुकूल खेती के एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के इंजीनियर पंकज कुमार एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नई तकनीक से खेती करने की विधि बताई एवं इससे होने वाले फायदों को भी बताया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा गांव में नीम के पौधे लगाए गए। मौके पर किसान रंजन कुमार, सुमन, रविशंकर, चुन्नू गोपाल सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। ये आज जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो हमारा राज्य है, ये राज्य हमारा मौसम के अनुकूल खेती करे और हमारा जो पर्यावरण है बिल्कुल शुद्ध रहे और तरोताजा रहे, जो कि जिससे कि हमारे किसान भाई हेल्दी रहें और हमारा मिट्टी भी स्वस्थ रहे। इसी को देखते हुए हम लोग लौंगाई, तरछा, दामूचक और गोर्रा और कासिमपुर, ये जो हमारा 5 गांव है, इस 5 गांव में मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को चला। बांका के कटोरिया बेलहर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को दिन दहाड़े झपटमार गिरोह ने बाइक सवार से 1,08,000 रुपए छीन कर फरार हो गया।
घटना को लेकर बताया गया कि पल्सर बाइक पर सवार दोनों अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद सुइया की ओर भाग निकला। पीड़ित पिड़रा गांव निवासी रोहित कुमार यादव ने बताया कि SBI ब्रांच कटोरिया से 1,08,000 रुपए की निकासी कर वह अपने पत्नी और भाई के साथ बाइक से घर जा रहा था। इसी दौरान झपटमारों ने ओवरटेक कर पत्नी से रुपए से भरा पॉलिथीन छीन लिया और 9:11 हो गए, जिसके बाद मामले की शिकायत कटोरिया थाना में की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्टेट बैंक से पैसा उठा करके 1,08,000 जा रहे थे और स्कूल प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल से मार्कशीट एडमिट कार्ड से दिए, उसके बाद तीज का सामान खरीदे। हम और पत्नी दोनों साथ में थे, वहाँ से गए कमरिया तक। उस आदमी को देखे आगे पीछे करने लगा, हम जरा सब मोटरसाइकिल ज़्यादा स्पीड किए, वहाँ से जाते जाते तरपतिया तक, तरपतिया में झपट्टा मार करके और प्लास्टिक से पैसा खींच करके। कितना पैसा? बांका जिला के अमरपुर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अमरपुर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने की। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष ने मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक माहौल में मनाने की अपील की और कहा कि COVID-19 को देखते हुए मुहर्रम में तजिया एवं जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाई गई है। जबरन जुलूस निकालने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सहायक अवर निरीक्षक कपिल देव यादव, वीडियो राकेश कुमार, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों के हित में लिए गए निर्णय को धोखा करार देते हुए अमरपुर प्रखंड के तमाम नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार के नई सेवा शर्त नीति की प्रतियां जलाकर आक्रोश प्रकट किया। मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ छल किया है। संघ के सचिव प्रकाश सिंह ने बताया कि समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए शिक्षकों ने 78 दिनों तक हड़ताल किया था और सरकार से 7 सूत्री मांग की उम्मीद भी की थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक के समीप एक वृद्ध महिला का शव पाया गया। बता दें कि गुरुवार शाम सबसे पहले जितेंद्र पासवान एवं बिट्टू पासवान ने हनुमान मंदिर के पास वृद्ध महिला का शव देखा, जिसके बाद दोनों युवक ने शव को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांका में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने पेड़ में मारी टक्कर, 3 की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ा भागलपुर नगर निगम, टॉप 20 में भी नहीं मिला स्थान। अखंड सुहाग की कामना के लिए सुहागन महिलाओं ने रखा व्रत, कोरोना को देखते हुए घरों में की पूजा अर्चना। पीरपैंती में महिला के शव के साथ बच्ची हुई बरामद, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। और कॉलेज में नामांकन के लिए छात्रों की उमड़ी भीड़, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद उड़ाई गई सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।